हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने म्यूज़िक के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइट पे देखें तो आप देख सकते हैं जो मेरा म्यूज़िक है वो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ लिंक है। अगर कोई भी मेरे नाम के ऊपर, जो मेरा यूज़र नेम है उसके ऊपर अगर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं एक पॉपअप आता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि ये म्यूज़िक इस आर्टिस्ट का है। और अगर कोई भी मेरे नाम के ऊपर वहाँ पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पे चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे इसे लिंक कर सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसे लिंक किया था अपने म्यूज़िक के साथ। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टा का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे डीएम कर पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बता दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि दोस्तों, मैंने जो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो मैंने अपनी लिंक की थी अपने म्यूज़िक के साथ, तो वो मैंने डिस्ट्रोकिट के थ्रू की थी। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने डिस्ट्रोकिट में, आपको पता होगा अगर आप डिस्ट्रोकिट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अपनी कोई भी इशू को एक टिकट रेज कर सकते हैं। तो मैंने टिकट रेज की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस टिकट में मैंने ये कुछ लिखा था कि जो मेरा आर्टिस्ट नेम ये है और जो मुझे अपना जो इंस्टाग्राम है, म्यूज़िक है, अगर मैं कोई भी अपनी स्टोरी डालता हूँ, अगर मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो मेरी लिंक नहीं है मेरे म्यूज़िक के साथ। तो मैं आपको ये जो मैंने जो टिकट रेस में जो मैंने लिखा था, ये मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। आप सेम टू सेम लिख सकते हैं अपना, बस अपना नाम चेंज कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक अटैचमेंट भी डाली थी, अगर मैं आपको अटैचमेंट दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अटैचमेंट डाली थी कि जो ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ये मेरी लिंक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर पॉपअप आ जाता है एक ब्लैक कलर में कि जो ये आर्टिस्ट है ये अभी लिंक नहीं है म्यूज़िक के साथ। तो उसके बाद मुझे डिस्ट्रोकिट का ये रिप्लाई आया कि आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल है जो, एक तो वो हमें दे दीजिए, जो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक इन्होंने दे दिया था, और एक इन्होंने मुझे कहा कि ISRC जो कोड है वो हमें दे दीजिए आप किसी भी एक म्यूज़िक का। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ये ISRC जो कोड है ये होता क्या है। अगर आप अपने डिस्ट्रोकिट के डैशबोर्ड में जाएंगे तो जो लोग डिस्ट्रोकिट यूज़ नहीं करते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने आपको ये जो ये आप मैसेज दे सकते हैं जो मैंने डिस्ट्रोकिट को भेजा था, ये सेम टू सेम मैं आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वीडियो के। आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है और आप जो भी मेथड यूज़ करते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप उन्हें कॉन्टैक्ट में ये जो टेक्स्ट है ये उन्हें भेज सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि वही आपका म्यूज़िक है जो इंस्टाग्राम का, वो लिंक कर सकते हैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ। तो रही बात अब इसकी कि जो ये ISRC कोड है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो लोग डिस्ट्रोकिट यूज़ करते हैं उनके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने जो भी आपका म्यूज़िक आपका रिलीज़ है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऊपर यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका म्यूज़िक का नाम है, इसके आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं UPC है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसके नीचे थोड़ी अगर आप नीचे आएंगे सॉन्ग के सेक्शन में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा ISRC। तो ये कोड जो होता है आपको अपने म्यूज़िक का देना है, आपको मेरे वाला नहीं देना। आपने जो भी म्यूज़िक यहाँ से रिलीज़ किया है वो दे देना है। तो यहाँ पे इन्होंने, मैं डिस्ट्रोकिट को मैंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो म्यूज़िक है यहाँ से रिलीज़ कर चुका हूँ डिस्ट्रोकिट से, तो क्या मुझे हर एक का देना पड़ेगा जो ये कोड है? तो ऐसा नहीं है, बस आपको कोई भी एक या फिर दो अपने ट्रैक्स जो भी आपने रिलीज़ किए हैं उनका दे दीजिएगा, और जो दूसरे वाले हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे। आपको हर एक को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस आर्टिस्ट नेम है जो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अगर उस आर्टिस्ट नेम से कोई भी म्यूज़िक रिलीज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल ही नीचे शो करेगा कि ये आर्टिस्ट का ये सॉन्ग है। बस आपको एक दो कोड ही आपको रिप्लाई में दे देने हैं। तो ये जो डिस्ट्रोकिट को जो कॉन्टैक्ट करने का मेथड है, कैसे आप टिकट रेस कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रोकिट को।
और जो डिस्ट्रोकिट यूज़ नहीं करते वो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनका एक अलग से कॉन्टैक्ट का जो होता है, कैसे आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बस आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। और जो भी मैंने आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है क्या आपको सेंड करना है उनको, और साथ में अगर स्क्रीनशॉट आप देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं अपने आर्टिस्ट नेम का, बस आपको उन्हें भेज देना है। और अगर वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाते तो आपको वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका ही कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्टली इंस्टाग्राम लाइब्रेरी के साथ, क्योंकि आपका जो म्यूज़िक होता है वो इंस्टाग्राम लाइब्रेरी में जाता है, तो वही आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको लिंक करा सकते हैं आपके म्यूज़िक के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करिए और मुझे ज़रूर बताइए अगर कोई इशू आता है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं सपोर्ट करता है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसे लिंक कर सकता है आपकी म्यूज़िक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।